तो यहाँ पे मैं अपने दो लुक शेयर कर रही हूँ, तो अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा लुक अडॉप्ट करना है और कौन से लुक को छोड़ना है, आंटी बनना है या फिर यंग और हैप्पी बनना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया ज्योति, और मैं हूँ ज्योति। कैसे हो आप सब गाइस? तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू आर ऑल सेफ। वेल, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हाउस वाइफ से रिलेटेड आज की वीडियो है ग्रो। तो आज की वीडियो है हाउस वाइफ यंग और स्मार्ट कैसे देखो। देखो, मैं खुद भी एक हाउस वाइफ हूँ, तो हमें तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बट सुबह के 10 मिनट्स 15 मिनट्स हमें अपने लिए निकालना चाहिए, जिससे हम जो है अपने यंग और स्मार्ट दिखें और ताकि दूसरे लोग भी हमसे इंस्पायर हों। तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स यही है कि आपको कपड़ों का सिलेक्शन अच्छा करना है, लाइट ब्राइट कलर के करने हैं। लाइट पिंक हो गया या पिंक हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया, इस तरह के कपड़े आप सेलेक्ट करो। इस तरह से आप देख रहे हो ना, इस तरह के बिल्कुल भी फैशन के कोई भी सूट्स वगैरह ना पहनो। जैसे कि ये सारे सूट है ना, काफी ओल्ड फैशन के हो गए। इस तरह के कुर्ती और प्लाजो को इस तरह से आप कुर्ती के साथ आप अपने प्लाजो को मैच करके पहन सकते हो, या फिर कुर्ती के साथ आप अपनी स्कर्ट को मैच करके पहन सकते हो। आप कुर्ती के साथ पैंट, अभी इस तरह की चली हुई है सिगरेट पैंट या नॉर्मल एंकल लेंथ की पैंट, अभी पैंट जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। कपड़ों का सिलेक्शन आज की जो चलती है ना, बिल्कुल अपडेट जो ट्रेंडी फैशन में हो रहे हैं, ट्रेंडिंग है फैशन में, तो उस हिसाब से आप अपने कपड़ों का सिलेक्शन करें। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड मेरी टिप्स है ना, वो ये है कि कपड़ों के साथ जब भी आप हेयर स्टाइल बनाएं, इस तरह से कभी भी बीच की मांग ना निकाले हेयर स्टाइल बनाने के लिए, क्योंकि हेयर स्टाइल से हमारे लुक में बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप इस तरह से मिड की बिल्कुल बीच की मांग निकालोगे तो ये आपको जो है बिल्कुल एजेड लुक दिखाएगा बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप थोड़ा आंटी वाला लुक फील करोगे, बहन जी वाला, वो जो होता है ना पहले बताते थे कॉलेज में, चिढ़ाते थे बहन जी या आंटी बोल करके। तो देखो, उम्र के साथ तो हमें सब लोग आंटी बोलते हैं, पर जहां तक होता है ना, हम अपने आप को अगर मेंटेन करके रखें तो उसको हम बहुत दिन तक भी अवॉइड कर सकते हैं। स्टाइल हमेशा जो है इस तरह से चुने। तो अभी अगर समर है, आपको अगर आपको ओपन हेयर रखना पसंद है, अगर आप रख सकते हो हेयर में इस तरह की साइड मांग बनाओ, और हेयर को साइड मांग बनाने से क्या होगा ना, आप बिल्कुल यंग लुक दिखोगे। उसके बाद जो है वन साइड में आप इस तरह के छोटे छोटे हेयर क्लिप यूज कर सकते हो, ये वाले हेयर क्लिप जो है, या फिर इस तरह से टिकटॉक वाले हेयर क्लिप जो है, ये बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है, तो आप इसको साइड में इस तरह से करके लगा सकते हो। ये मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ। या फिर इस तरह से कोई आती है साइड बो टाइप की आती है छोटी छोटी, आप वो भी चाहो तो अपने हेयर पे लगा सकते हो। बट अगर आपको समर में है, किचन में काम करना है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है, अगर हम हाउसवाइफ हैं तो हमें किचन में ज़रूर काम करना होता है। तो किचन में अगर आपको काम करना है तो हमेशा, अगर आपको बालों को टाई करना है ना, तो आप इस तरह से हाई पोनीटेल बना सकते हो, बिल्कुल भी लो पोनीटेल मत बना। इस तरह की आप अगर हाई पोनीटेल बनाते हो तो उससे आपके लुक में काफ़ी चार चांद लग जाते हैं, और आप जो है इसको हाई पोनीटेल को इस तरह से आप जो है एक बन बना सकते हो अपने हाई पोनीटेल में, इस तरह से जिस तरह से मैं अपने वीडियो में साइड में मैं लगा दे रही हूँ। तो इस तरह की आप बन बना सकते हो, बन बना करके आप बहुत इजीली समर में काम कर सकते हो, और आपकी लुक भी जो है ना, आप बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी के दिखोगे। इस तरह की हेयर जो है, हेयर टिप को फॉलो करो, तो ये जो है आपकी लुक में बिल्कुल चार चांद लगा देगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टिप्स की ओर। मेरा थर्ड टिप्स जो है ना गाइस, वो है अगर आप हाउसवाइफ हो और मैरिड वुमेन हो, तो गले में इस तरह के मंगलसूत्र जो है, कभी भी इस तरह के लंबे वाले मंगलसूत्र ना पहने। ये लंबे वाले मंगलसूत्र जो है ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप हमेशा इस तरह से शॉर्ट मंगलसूत्र जो है, इस तरह से बिल्कुल शॉर्ट मंगलसूत्र का चुनाव करें, सिलेक्शन करें, और बिल्कुल लाइट वेट की मंगलसूत्र पहने, जो कि आपके लुक को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी। आपके जो है ना, ये नेक वाला एरिया काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। बहुत ऐसे पतले मंगलसूत्र पहनो,
नेक्स्ट अगर मैं टिप्स की बात करूँ तो मेरी अगली जो टिप्स है वो है, कभी भी जब रेडी हो रहे हो तो आप इयररिंग, जब भी आप घर में हो ना, तो जब हम डेली वेयर में जब हम रेडी होते हैं ना, तो कभी भी आप इतने हैवी इयररिंग नहीं पहनो। बड़े बड़े हैवी इयररिंग आपको नहीं पहनने चाहिए, आपको हमेशा छोटे छोटे इयररिंग पहनने चाहिए। इससे क्या होगा ना, अपने आप को आप फ्री भी महसूस करोगे, फ्री फील करोगे। ये जो है आपकी ग्रूमिंग टिप्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, आपकी जो लुक जो है काफी अच्छी, काफी मॉडर्न लुक बन के आएगी। क्योंकि इयररिंग कभी भी बड़ी इयररिंग मत पहनना, हमेशा छोटी और लाइट वेट की इयररिंग पहनना, जो आपके लिए भी कंफर्टेबल भी होगी और काफी ज्यादा आपके लिए स्मार्ट लुक क्रिएट करेगी। तो इस टिप्स को आप जरूर फॉलो करना। तो चलिए अब बढ़ते हैं, मेरी नेक्स्ट टिप्स जो है वो ये है कि आप जो है कभी भी बिंदी लगाओ ना, तो इस तरह की कभी भी बड़ी बिंदी मत लगाओ। हमेशा जो है इस तरह से बड़ी बिंदी लगाने से देख सकते हो आप, आपका चेहरा भी जो है काफी बड़ा लगता है, काफी काफी वो दादी नानी वाला, आंटी जी वाला लुक सच में लगता है बड़ी बिंदी लगाने से। तो हमेशा जब भी आप घर में रहो, अगर आप थोड़ा सा अपनी उम्र से बहुत ज्यादा छोटे दिखने चाहते हो, तो हमेशा छोटी बिंदी का आप यूज करें, बड़ी बिंदी कभी भी ना लगाएं। मेरी नेक्स्ट टिप्स है गाइस, तो कुर्ते के साथ जब भी आपको दुपट्टे को अगर कैरी करना है, तो आप कभी भी इस तरह से डबल साइडेड, मतलब ओल्ड फैशन के दुपट्टे को कैरी ना करें, इस तरह से ना करें। आप इस तरह से वन साइड दुपट्टे को इस तरह से लगाएं। इस तरह से दुपट्टे को कैरी करने से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है और काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव बनाता है, बहुत ही ये अच्छा रिच वाला लुक देता है ये आपको। तो ये सब जो टिप्स है ना, वो ग्रूमिंग टिप्स, ये सारी जो ग्रूमिंग टिप्स है ना, वो आपके बहुत काम आने वाली है, तो आप इसको जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट जो मेरी ग्रूमिंग टिप्स है ना, जो जो नेक्स्ट मेरी हाउसवाइफ के लिए टिप्स है, वो ये है कि आप हमेशा अपने नेल्स को जो है पेंट करके रखो। मैं ऐसे तो घर में हमें जब मुझे जब काम करना होता है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने नेल्स को बड़े करके रखूं, बट अगर आप रख सकते हो तो हमेशा अपने नेल्स को बड़े करके रखो। और थोड़ा जो है मतलब हमेशा कलर करके नेल को हमेशा पेंट करके रखो, ताकि ये अच्छे लगे। आपको पैरों के भी नेल हैं या फिंगर है, तो आप हमेशा नेल को पेंट करके रखो, तो ये जो है आपके हैंड को भी काफी ब्यूटीफुल दिखाएगा और काफी हैंड आपके जो है इससे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव। मेरी नेक्स्ट टिप्स जो है ना गाइज, अगर आप जब घर में रह रहे हो ना, तो घर में हम गर्मियों के टाइम में देखो हमेशा इजी करना चाहते हैं, तो कभी भी अब वो जमाना लग गया कि जब हम हमेशा इतनी इतनी चूड़ियां डालते थे, तो इतनी चूड़ियां डालने के बजाय है कोई इस तरह से आप एक जो है, ये अब कांच के कड़े भी आते हैं, तो बहुत लोगों में होता है कि हम मेटल्स वगैरह नहीं कैरी कर सकते, तो इस तरह के आप कोई भी एक कड़े ले लो कांच के, तो आप इस तरह से कांच के कड़े, एक एक कड़े कैरी कर सकते हो, या फिर पतली पतली जो प्लेन चूड़ियां होती है ना, वो टू टू पीस आप पहन के रख सकते हो। तो इतनी चूड़ियां बहुत आपके हाथों को भी हैवी दिखाएगी और आपको भी जो है घर में काम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो हाथों में पहनने के लिए आप इस तरह के कड़े को कैरी कर सकते हो, तो ये भी आपके लुक को काफी अट्रैक्टिव बनाएगा। वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी टिप्स हमेशा काम आते हैं, छोटी छोटी टिप्स को ही जब हम फॉलो करते हैं, तो वो हमेशा हमारे लुक को जो है इनहेंस करते हैं, हमारे लुक को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो यही छोटी छोटी टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो ये आपके लुक को यंग और आपके लुक को इनहेंस बनाएंगे, आपके लुक को अट्रैक्टिव दिखाएंगे, जिससे क्या होगा ना कि दूसरे लोग भी आपको हमेशा मतलब आपकी ओर अट्रैक्ट। नेक्स्ट मेरी टिप है फुटवेयर को लेकर के, कि जब भी आप इस तरह के फुटवेयर पहनते हो ना, घर में फुटवेयर पहनते हो, तो कभी भी इस तरह से ओल्ड फैशन के फुटवेयर नहीं पहनो, हमेशा इस तरह से लेटेस्ट और ट्रेंडिंग फैशन में जो फुटवेयर है ना, इस तरह से देखो जूती टाइप की फ्लैट्स पहनो, उस तरह के फुटवेयर हमेशा कैरी करो जो आपके पैरों के हिसाब से कंफर्टेबल हो बट ट्रेंडिंग में हो। फुटवेयर हमेशा आपको कैरी करने चाहिए जो लेटेस्ट और ट्रेंडिंग में हो, तो इस तरह के फुटवेयर को आप खरीदो और इस तरह के फुटवेयर को अपनी डेली लाइफ में शामिल करो। नेक्स्ट मेरी टिप है कि अगर आप टोरिंग पहनते हो ना, तो कभी भी बड़ी टोरिंग मत पहनो, हमेशा जो है छोटी छोटी इस तरह की टोरिंग पहनो। मैं भी हमेशा घर में जब भी पहनती हूँ, तो हमेशा छोटी टोरिंग को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बड़ी टोरिंग ना हमें काफी ज्यादा मतलब ओल्डी स्टेप कर लगता है,
और अब तो बड़ी टोरिंग कोई भी नहीं पहनता, हमेशा छोटी सी उसका टोरिंग नेक्स्ट में पहनता क्या है। है ना कि आप पैरों में, अगर आपको पायल पहनने के आप शौकीन हो तो कभी भी घर में इस तरह की हैवी पायल मत पहनो, हमेशा जो है इस तरह से पतले पायल आप पहनो। और अभी तो पायल में मतलब कि जो पायल पहनने के शौकीन है ना, तो अभी काफी सुंदर सुंदर पतले पतले पायल जो है मार्केट में ट्रेंडिंग में है, तो आप हमेशा इस तरह से पैरों को सुंदर दिखाने के लिए हमेशा इस तरह से पतले पायल को पहन सकते हो। नेक्स्ट टिप जो है मेरी वो ये है कि जब भी हम किचन में काम करते हैं ना, तो हमारी जो है किचन के साथ साथ हमें स्वेट्स भी बहुत सारे आते हैं, तो वो ऑलरेडी हमारी स्वेट्स जो है एक अजीब सी ऑडोर आने लगती है हमारे साथ, किचन के साथ जो है हर हाउस वाइफ की प्रॉब्लम होती है, तो वो जो बैड स्मेल बॉडी से आती है ना, तो इससे क्या होता है ना कि हमारे हस्बैंड या हमारे बच्चे हमारे आसपास आना नहीं चाहते, वो बहुत मतलब ईयू वाली उनकी वो हमेशा हमसे दूर भागना चाहते हैं। तो जब भी आप ये जब भी आप किचन में काम करने जाए, जब भी आप मॉर्निंग में रेडी हो, तो कभी भी आप जो है कोई परफ्यूम या कोई अच्छी सी एकदम बिल्कुल सॉफ्ट लाइट की सॉफ्ट डियो लगाना ना भूले, तो ये वो क्या होगा ना, इससे आपको अगर स्वेट्स भी आते हैं ना, तो बट वो उससे आपको बॉडी से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, और वो आप वो जो है आपको भी बिल्कुल फ्रेश फील करेगी, और इससे क्या होंगे आपके फैमिली मेंबर भी आपसे दूर नहीं रहेंगे। ये चीजें जो है आपको जरूर यूज करनी चाहिए। तो बस लास्टली मैं ये बोलूंगी ना कि हमेशा ट्रेंड में रहें, अप टू डेट रहें फैशन के साथ स्टाइल के साथ। ये छोटे छोटे टिप्स जो मैं आपको बताई हूँ ना आज, अगर ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप फॉलो करते हो, तो आप अपनी उम्र से दिखोगे बहुत ही ज्यादा यंग, बहुत ही कम और हमेशा अट्रैक्टिव जो। और सबसे लास्ट और जरूरी टिप्स है ना कि आप हमेशा हैप्पी रहें, हैप्पी मूड में रहें, अपने आप को हमेशा चेहरे पे एक स्माइल रखें। अगर आप अंदर से हैप्पी रहोगे तो आपके फेस में खुद ब खुद अट्रैक्शन आएगा, जिससे आपको दूसरे लोग भी आपके आसपास के लोग भी हैप्पी रहेंगे। तो हैप्पी रहना बहुत ही जरूरी है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। तो बस गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, और तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।